आपको पता है, प्रेमानंद महाराज के साथ हर वक्त साई की तरह साथ रहने वाले ये दो शख्स कौन हैं? पीले वस्त्रों में देखकर आपको शायद ये लगता होगा कि इनके शिष्य हैं। बात तो सही है कि महाराज जी की तरह ही वस्त्र पहना हुआ है तो उनके शिष्य ही होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों श्रीहित प्रेमानंद महाराज के वो अस्त्र शस्त्र हैं जिनके होने का मतलब ये होता है कि महाराज जी के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हजारों लोगों के बीच महाराज जी लंबे लंबे डग भरते हुए चलते रहते हैं। उनके कई भक्त शिष्य अलग अलग तरीके से उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं। लेकिन गौर से देखिएगा, ये शख्स महाराज जी से जिस दूरी पर रहते हैं उसी दूरी पर कदम ताल मिलाते हुए वे पूरे 2 किलोमीटर का रास्ता हर रोज तय करते हैं। उसमें एक राई बराबर भी कभी कोई बदलाव नहीं आता। वैसे तो इनकी आंखें बहुत स्थिर दिखाई देती हैं, लेकिन ये आंखें भीतर तक महाराज जी में धंसी होती हैं, और यही इन आंखों का तिलस्म भी है। महाराज जी के चाल में रेशे भर भी फर्क आए तो आप इनकी तेजी पर गौर कीजिएगा। सेकंड के 100वें हिस्से से भी तेज गति से ये रिएक्ट करते हैं। ये तो बात हुई नवल नागरी जी की, जो 2017 में ही सब कुछ छोड़कर महाराज जी के चरणों से अलिपटे और तब से केली कुंज के होकर रह गए। ये शरीर पंजाब का है और एक बेहद ठाट बाट वाले घराने से आता है, लेकिन महाराज की एक मुस्कान के लिए एक दिन दिल इतना मचल गया कि सब छोड़ छाड़ कर बस केली कुंज के सदा सदा के लिए हो गए। पूज्य प्रेमानंद जी के राइट साइड में अपनी मदमस्त चाल में एक एक पदचाप नापने वाले दूसरे शख्स को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि बाबा जी हैं, ये लोग तो ऐसे ही कोई काम धाम नहीं है तो बाबा जी बन जाओ। ये महामाधुरी शरण है और महाराज जी से मिलने के पहले नामचीन कॉलेज में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थे। लेकिन कहते हैं ना, इश्क की कोई दवा नहीं होती। एक बार वृंदावन आए और महाराज जी से मिल लिए, फिर क्या हुआ ये जानने लगेंगे तो जानना आसान नहीं रह जाएगा। इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल इश्क ऐसा निकम्मा बना देता है कि आप कुछ नहीं कर सकते और किसी काबिल नहीं रह जाते। शायद ये शरीर इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है। और सोचिए उस शख्स के बारे में जो ललित त्रिभंगी से ही इश्क फरमा ले। भाई वो कहां जाएगा, क्या बचता है उसके पास? कुछ नहीं। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। यकीन मानिए, हर पागल का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अगर आगरा नहीं तो कैलिफोर्निया में जाकर ठीक हो जाता है। लेकिन जिसके नयन लड़े गिरधर से तो अकल बौरा ही जाएगी। और फिर उसका इलाज कहां संभव है? फिर तो वृंदावन मिले और मिले गुरु का प्रेम, ताकि दिन भर इश्क की बातें होती रहे और ये मन लगा रहे। और दिन भर इश्क की बात कौन कर सकता है? बस यही है अपने, इनके अलावा जीवन में कोई अपना नहीं है। पहला ऐसा जो आकर्षण था उनका, जब उनने प्रेम से पूछा आप कब आए, तो लगा हम पता नहीं कितने जन्मों से आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जो इतना प्रेम गुरुदेव भगवान की दृष्टि से, जो उनकी वाणी से झलकता है, वो हम बयान नहीं कर सकते। मतलब ऐसा लगा कि जन्म जन्म से भटके थे और किसी अपने बिल्कुल अपने बिल्कुल सत्य सत्य वस्तु यही है। ऐसा ही लगा हमें कि हम संसार में कहीं भटक रहे थे, अब हमें ठौर मिली है, अब हम अपने घर पे आए हैं। जो इस खेल का माहिर खिलाड़ी हो, जिसने उससे भी ज्यादा इश्क किया हो, इतना कि शरीर की सुध-बुध ही खत्म हो गया हो,
मीरा को तो जानते ही होंगे आप, क्या बचा था उनके पास? बस सेम टाइप मामला है इधर भी, किडनी जल रही है, शरीर फूंक रहा है, खून पानी हुआ जा रहा है, लेकिन फर्क किसे पड़ रहा है? शरीर के एक भी कारोबार की गारंटी नहीं है, लेकिन इश्क पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है। दिन भर राधा राधा राधा, खाना भी राधा, पीना भी राधा, वस्त्र भी राधा, नींद भी राधा, चल दिए तो हर चाल राधा, बैठ गए तो राधा, नाचे तो हर अदा राधा, गाया तो हर राग राधा। तो फिर इस इश्कजादे को कहां ठौर मिलती? एक आशिक दूसरे आशिक से मिलकर ही तो राहत पाते हैं। उस पर मौज की बात ये कि दोनों ने जिससे प्रेम किया है वो एक ही है, हमारे ललित त्रिभंगी, हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रीतम, हमारी राधा।